नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहन खंडेलवाल है और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में ब्रेस्ट डिजीजेस का एक्सपर्ट हूँ। आज की वीडियो में मैं एक बहुत जरूरी विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ एंड वो है छाती में फोड़ा होना एंड बार बार छाती के अंदर फोड़ा होना। तो हमारे पास मरीज ब्रेस्ट सेप्सिस या छाती में फोड़े के साथ बहुत कॉमनली आते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि जो छाती में फोड़ा होता है या स्तन में जो एब्सेस होता है ये ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज के अंदर होता है, जो दूध पिला रहे होते हैं उनमें बच्चे के मुंह के से इन्फेक्शन जाता है और छाती के अंदर फोड़ा कर सकता है। दूध रुकने की वजह से भी ये फोड़े बन जाते हैं कई बार। पर अगर फोड़ा बार बार बन रहा है तो इसके कुछ कारण होते हैं जो हमें रूल आउट करने होते हैं। नाउ अगर फोड़ा बनता है तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पस की जांच करेंगे एंड कई बार अगर पस ज्यादा बना होता है तो सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। नाउ अगर फोड़ा बार बार बन रहा है तो उसका प्रमुख कारण हमारे देश के अंदर है टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस। तो जब भी हम ये पस ड्रेन करते हैं हम उस पस को टीबी की जांच के लिए जरूर भेजते हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर टीबी आता है तो 6 या 9 महीने का दवाई लेने के बाद वो टीबी की बीमारी खत्म हो जाती है एंड फोड़े बार बार नहीं बनेंगे या एब्सेस बार बार नहीं बनेंगे। एक और बहुत जरूरी कारण है जो हमने देखा है स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर एंड उसका नाम है इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस मैस्टाइटिस। नाउ ये जो बीमारी है ये टीबी जैसी लगती है पर इसका इलाज टीबी की दवाइयां नहीं है, क्योंकि अगर हम टीबी की दवाइयां इसमें देंगे तो ये घाव भरता नहीं है एंड हर महीना 1.5 महीने में मरीज को बार बार फोड़ा बनता रहता है और पस आता रहता है। तो इस बीमारी को रूल आउट करने के लिए भी हमें एक बायोप्सी करनी होती है और हमें टीबी को भी रूल आउट करना है, क्योंकि जब टीबी रूल आउट हो गया है तभी हम इडियोपैथिक ग्रैनुलोमेटस मैस्टाइटिस के अंदर स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। एक चीज जरूर याद रखने की है कि अगर स्टेरॉइड टीबी के अंदर दे दिए तो टीबी फैलने लग जाएगा, तभी हम लोगों को टीबी रूल आउट करके ही ये वाला इलाज चालू करना है एंड ये आप किसी ब्रेस्ट एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो ही ये जांचें रूल आउट करके आपको इस बीमारी के बारे में बता सकते हैं। आखिरी में आपको ये भी जानना जरूरी है कि कई बार ब्रेस्ट कैंसर के वजह से भी बार बार फोड़ा बन सकता है एंड हमने कई ऐसे मरीज देखे हैं जिन मरीजों को लगता था कि उनको दूध की गांठें हैं या दूध के फोड़े हैं पर रियलिटी में उनको ब्रेस्ट कैंसर था। तो एक पर्टिकुलर टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है जिसको इन्फ्लेमेटरी कैंसर कहा जाता है, वो ये फोड़ों की तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर आपके केस में भी या आप किसी को जानते हैं जिनको बार बार छाती के अंदर या ब्रेस्ट के अंदर एब्सेस या फोड़ा बन रहा है तो आपको उनको ये राय देनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द जाके एक ब्रेस्ट के एक्सपर्ट से मिले जो सही जांचें करके पता लगा सकते हैं कि ये फोड़े किस वजह से हो रहे हैं एंड उसका इलाज बता पाए। अगर आपको इस वीडियो के विषय में कोई भी सवाल है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड हम उसका जरूर जवाब देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा जैसे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।